प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी पल्ला, आप जी दे नाल हाउ टू लिव विद करोना पार्ट 4, करोना नाल जीवन दियां संभावनावां दा चौथा भाग लैके हाजिर हां। दोस्तों, अज दी विचार चर्चा दा विशा पोस्ट लॉकडाउन एग्जिट प्लान फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहेगा कि लॉकडाउन खत्म होने तो बाद साड़ी उचेरी सिक्ख्या संस्थावां दा एग्जिट रूट की होवे, इस बारे असी विचार चर्चा करांगे। तुसी सारे जानदे हो दोस्तों कि मार्च 2020 दे लगभग दूसरे हफ्ते तो सारियां उचेरी सिक्ख्या संस्थावां बिल्कुल बंद पईआं हन। सारियां अदारियां दे विच चुप पसरी है। विद्यार्थियों दे नाल संपर्क सिर्फ वर्चुअल भाव ऑनलाइन साधना राही ही स्थापित हो सकिया है। सारियां यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे विच लगभग 25-30% कोर्स एक्चुअल क्लासरूम की थां ते वर्चुअल क्लासरूम राही पूरा किया गया है। साडे अध्यापकां ने बहुत मेहनत की है, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन एक चंगी शुरुआत सी। खुशी दी गल है कि यह सब कुछ दा तुरा साडा अध्यापक रहा है। मेरा सारे अध्यापक कम्यूनिटी नू बहुत बहुत सलाम है। दोस्तों, हुण तक जिवें तिवें गुजर गया, लेकिन हुण भविख की तैयारी सानू करनी है। साल 2019-20 दीआं प्रीख्यावां दा आयोजन हाले बाकी है, साल 2020-21 दे दाखले हाले करने बाकी हन। इस दे नाल नाल साल 2020-21 दी अकादमिक पढ़ाई दा कारज भी सानू आरंभना है। हुण सानू इह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके दे नाल कर लेना चाहीदा है, क्योंकि हाले इह निश्चित नहीं कि लॉकडाउन खुलण दे उपरंत ही साडियां कालजां ते यूनिवर्सिटियां नू खोल दित्ता जाएगा, क्योंकि हाले बहुत कुछ जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके रखी जाए। इसलिए यूनिवर्सिटियां अपने पद्धर ते इस सब दा एग्जिट प्लान तैयार करन विच लगियां होईयां हन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के दिशा निर्देश अनुसार जो भी एग्जिट प्लान होएगा वह जल्द साडे सारयां दे सामने आ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बतौर अध्यापक सानू अपनी दशा अते दिशा दोहां विच भारी बदलाव करने पैणगे। हुण तक साडी महारत क्लासरूम विच टीचिंग तक सीमित सी, हुण सानू वर्चुअल टीचिंग लर्निंग ते भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों, वर्चुअल टीचिंग लर्निंग कदे भी अध्यापक का बदल नहीं हो सकती, यह सानू समझ लेना चाहिए है, क्योंकि इसका तुरा अध्यापक ही होंगे, क्योंकि अध्यापक ही ज्ञान का स्रोत है। ते अध्यापक तो बिना विद्यार्थी सखने ने, ते गुरु तो बिना गत नहीं हो सकती। सो इसलिए अध्यापक हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। हुण साडे सामने सवाल यह उठता है कि वर्चुअल लर्निंग असल दे विच की है। वर्चुअल लर्निंग इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज एनहांस थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हेयर मीन्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक ऐसा उचेरी सिक्ख्या संस्थावां दे अंदर ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट है, जिहदे विच असी टेक्नोलॉजी की वरतों करके विद्यार्थियों के नाल वख-वख तरीकों के नाल पहुंच करते हैं, ताकि उन्हां दी समझ ते ज्ञान दे विच वाधा किया जा सके। इस विच बहुत सारे माध्यम साडे पास उपलब्ध हैं, जिवें असी वट्सएप ग्रुप बनाउंदे हाँ, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने हाँ, या गूगल ग्रुप्स बनाने हाँ, गूगल क्लासरूम की तैयारी असी करते हैं, जूम मीटिंग्स से प्रेजेंटेशन करते हैं, रिकॉर्डेड लैक्चर भावें यूट्यूब के राही हो, फेसबुक के राही हो, या लाइव थ्रू यूट्यूब एंड फेसबुक होवे, या बहुत सारे प्रेजेंटेशन असी एप्लीकेशन तैयार कीतियां ने, जिहड़ियां लाइव एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन वास्ते वरतियां जांदियां हन। सो वर्चुअल लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिथे असी जेकर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद्यार्थियों के नाल नहीं किया जा सकता, तो असी वर्चुअल तरीकों के नाल विद्यार्थियों तक पहुँच के वो कोर्स कंटेंट जो एक निर्धारित कोर्स का है वो उसनू विद्यार्थियों तक पहुँचाने हाँ। सो वर्चुअल क्लासरूम दे विच किस तरीके दे नाल असी विचरना है, जिवें उस दीआं क्लासरूम एक्टिविटीज़ की होणगीआं, उस दे विच ग्रुप अते इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटीज़ किस तरह परफॉर्म कीतियां जाणगीआं, डिस्कशनस अते चैट्स विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਰਵੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮਵਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ
बहुत सारे माध्यम इस वास्ते साडे पास उपलब्ध ने, लेकिन लोड़ींदा की है? लोड़ींदा यह है कि सानू इस ना इस संबंधित एक स्वय ट्रेनिंग लेनी पवेगी। स्वय ट्रेनिंग इस करके क्योंकि इस तरह इस समय लॉकडाउन लग्या होया है, असी बाहर नहीं जा सकते, साडे कोल साधन जिहड़े आ बहुत सीमित ने। सो स्वय ट्रेनिंग यानी बार बार जो असी इन्हां साधनां की वरतों करके अभ्यास करांगे तो साडी अपने आप परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। सो इस महारत जिहड़ी है वह प्रैक्टिस दे नाल आनी है। सो किसी फॉर्मल ट्रेनिंग की इस लोड़ भी नहीं है, सिर्फ सोचण का नजरिया सानू बदलना पवेगा और अपने अंदर एक स्वय शक्ति पैदा करनी होगी जिसकी वरतों करके असी यह सारा कुछ अपने आप ही नैचुरली ही सीख जावांगे और जिस तरह इस अभ्यास दे विच लेके आउंदे रहांगे साडा एक महारत इस विषय के उपर बनती जाएगी। दोस्तों रब ने तुहानू बहुत खूबसूरत बनाया है, तुहाडे वर्गा दूसरा मनुख इस धरती उपलब्ध नहीं है। सो इस करके साडी दूरदृष्टि साडा ज्ञान जेकर असी उस नूं वरतों विच लियावांगे असी उस दे नाल पूरी तरह जस्टिस करांगे और उन्हों विद्यार्थियों के भले लिए वरतांगे ते वर्चुअल जो साडे कोल माध्यम अवेलेबल ने चाहे वह साडा मोबाइल फोन है चाहे वह साडा लैपटॉप है इंटरनेट की फैसिलिटी है इस सब नूं जोड़ के अपने दिमाग की वरतों करदिया होया असी विद्यार्थियों तक पहुँच सकते हैं और पहुँच के एक नवी क्रांति जिहड़ी कि सिक्ख्या जगत दे विच एक नवी क्रांति होगी क्योंकि इस लॉकडाउन ने सानू बहुत कुछ सिखाया है और इस सीखण प्रक्रिया दे विच असी इस हद तक आ गए हाँ कि हुण जदों लॉकडाउन खुलेगा भी साडे कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां आम तरीके दे नाल लगन भी लगनगियां तो सानू यह जरूर विचार करना चाहेगा कि जो माध्यम असी इन्हां दिनां दे विच अपलाई किए ने वह ये माध्यम जिहड़े आ असी उन्हां नूं होर चंगे तरीके दे नाल विद्यार्थियों तक पहुँचा विद्या पहुँचाउण दे लई वरत सकदे हां। यूनिवर्सिटियां नूं भी साडे पत्र विभाग सिक्ख्या विभाग ने जां यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग्स ने उन्हां नूं वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ दे विच तब्दील करना होगा क्योंकि इन्हां विच लगे हुए अध्यापकां दा साथ साडे लई इक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। मेरी बेनती है सारियां यूनिवर्सिटियां नूं कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दे जिहड़े अध्यापक ने उन्हां नूं हुणे तों ही हदायत कीती जावे कि जिहड़े भी कोर्सेज इन्हां पत्र विहार विभागों के कोरसपोंडेंस डिपार्टमेंट्स के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग्स के पढ़ाए जाते हैं उन्होंने लैक्चर तैयार करके उन्होंने रिकॉर्ड करके इन्हों छुट्टियों के दौरान ही यूट्यूब राही या यूनिवर्सिटी या कॉलेजों की वैबसाइट के उपर पा दिता जाए ताकि जो विद्यार्थियों का दाखला हो इसका लाभ उठा सकन। नाओ हर अध्यापक भी अपने व्यक्तिगत तौर के उत्ते अपना यूट्यूब चैनल बनावे और कॉलेज प्रशासन इस उन्होंने उत्साहित भी करे। हरेक अध्यापक का जो यूट्यूब चैनल है वो उत्ते अपने लैक्चर जो अपलोड करन और वो अपलोड किए हुए लैक्चर कॉलेज की वैबसाइट के उपर अध्यापक वार जिमें असी टाइम टेबल वो उत्ते प्रदर्शित करते हाँ उस तरह इनू भी प्रदर्शित किया जाए ताकि विद्यार्थियों तक इसकी पहुँच जी है वह हो सके। दोस्तों इसलिए साडा लोड़ींदा साजो समान जिहड़ा उह बहुता नहीं चाहिए, बहुता इहदे लई खर्चा भी नहीं आउंदा। एक मोबाइल फोन की लोड़ है, तुहाडी अपनी विल की लोड़ है, तो एक इंटरनेट पैक की लोड़ है। जे प्रशासन थोड़ी जी इहदे विच मदद कर दे साडे अध्यापकां दी जां अध्यापक अपने तौर पर वॉलंटियरली अगे आउण तां एक बहुत वड्डी क्रांति लियांदी जा सकती है। इस तरह सानू यह सोचना पएगा कि ऑनलाइन टैसटिंग ऑफ करीकुलम भी की जा सके, विद्यार्थियों के जिहड़े ऑनलाइन टैसट है उहनूं कंडक्ट किया जा सके, फीडबैक विद्यार्थियों की ली जा सके। मेरे कुछ सुझाव ने जिहड़े सुझावां दू मैं तुहाडे सामने हुण रखांगा, उन्हां सुझावां दे आधार दे उत्ते फिर असी अगे अपना एक एग्जिट प्लैन जिहड़ा उह तैयार कर सकते हैं। सब तो पहला तो मेरी प्रिंसिपल साहिबान नू ते वाइस चांसलर साहिबान नू बेनती है कि अपने अपने विभागों के मुखियों नू बुला के वर्कलोड की आने वाले सैशन के वर्कलोड की वंड कर दी जाए और इस दे लई ओ फ्री कॉन्फ्रेंस ऐप या जूम इन मीटिंग करके हरेक विभाग के मुखी के नाल गलबात करन और वर्कलोड की अलॉटमेंट अध्यापकों के सहयोग के नाल करके उन्होंने हुणे ही मुखी अध्यापकों वालों यह कह दिता जाए कि जिहड़ा भी उन्होंने कोर्स पढ़ाउण दे लई दिता जाना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्हां लैक्चर्स की अपने अपने मोबाइल फोनस के उपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने अपने यूट्यूब चैनल के उत्ते अपलोड कर दें। चाहे वह वीडियो रिकॉर्डिंग 10-10, 15-15 मिनट की ही हो, अगर साडे मोबाइल दे विच ज़्यादा कपैसिटी नहीं है तो असी उसनू छोटे छोटे पार्ट्स दे विच भी तैयार करके अपने यूट्यूब चैनल दे उपर उहदी सीरीज बना के अपलोड कर सकते हैं। दूसरा मेरी यह बेनती है सारे मुखी विभागों नू कॉलेजेस दे और यूनिवर्सिटीज़ दे कि वह अपने अध्यापकों नू लैसन प्लैन बनाउण लई कहण और उन्हां सारे लैसन प्लैनस दे नोट्स बना के उन्हां दे लैक्चर्स रिकॉर्ड करवा के रख ले जाण ताकि आने वाले समय दे विच जदों भी साडियां
अकादमिक सैशन शुरू होएगा। अगर लॉकडाउन नहीं भी खुलता तां भी असी विद्यार्थियों तक पहुंच करके उन्हां लैक्चर्स नूं प्रसारित कर सकीए। सो हरेक विषय के उत्ते अध्यापकों को चाहिए है कि वह ऑब्जेक्टिव टाइप टैसट सीरीज तैयार कर लैन, टैसट सीरीज तैयार करके अपने को रख लैन, जिस तरह भी असी लैक्चर्स उन्हां नूं प्रसारित करांगे और लैक्चर्स के आधार पर उन्होंने ऑनलाइन टैसटिंग जी की जा सकती है। सो इसलिए कोई बहुते साधना की लोड़ नहीं है। इस तरह असी विद्यार्थियों के लिए जिहड़ियां असाइनमेंट्स उन्हां तो लैनिया ने विशावार, उन्हां असाइनमेंट्स की भी रूपरेखा तैयार कर ली जाए, उनकी सूची तैयार कर ली जाए ताकि विद्यार्थियों नूं भेजिया जा सकन। और ये असाइनमेंट्स असी गूगल ग्रुप्स के राही लै सकते हैं, जिहड़े कि एक असाइनमेंट एक विद्यार्थी वल्लों जो तैयार की जाती है वह सारे विद्यार्थियों के नाल शेयर हो जाए ताकि एक दूजे का जिहड़ा अर्जित किया हुआ ज्ञान है वो भी सांझ पाई जा सके। सो जिन्नियां भी विद्यार्थियों को प्रेजेंटेशंस लैनिया है वह असी फ्री कॉन्फ्रेंस ऐप के उत्ते या जूम इन मीटिंग के राही वो विद्यार्थियों दी प्रेजेंटेशंस भी लै सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की ऑनलाइन असैसमेंट के कार्य जोड़े है वह आरंभ लेने चाहिए है। सो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कॉलेज खुलनगे तो विद्यार्थियों को क्योंकि असी सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करनी है, उस सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करने के लिए विद्यार्थियों को पड़ावार कॉलेज बुलाया जाए ताकि एक समय से 10 या 12 या 15 विद्यार्थियों तो वध क्लास के विच ना होण और विद्यार्थियों को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग वास्ते बुलाया जाए। बाकी जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम समाप्त नहीं हो जाता तद तक उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग के राही पढ़ाया जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग जी उन्होंने फिजिकल कॉन्टैक्ट के राही की जा सकती है। दोस्तों साढ़े अंदर एक विल की लोड़ है, अध्यापक की बहुत वड्डी जिम्मेवारी है इस क्राइसिस के समय के और असी बहुत कुछ कर सकते हैं, साढ़े अंदर वो समर्था है लेकिन हुण सानू अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो सारिया समर्थावां जिहड़ियां असी लुको के रखी हुई हैं, सिर्फ असी क्लासरूम टीचिंग तक महदूद सी, हुण वो क्लासरूम टीचिंग तो बाहर निकल के एक वर्चुअल टीचिंग दे विच सानू जाना पवेगा, जिस लई बहुत सारे साधन साढ़े पास उपलब्ध ने। साधना की कोई घाट नहीं है, सिर्फ घाट तो यह है कि साढ़े अंदर एक विल होनी चाहिए है। जे असी उस विल नूं असी शक्ति के रूप दे विच बदल देवांगे तो जरूर असी इस काम दे विच भी सफल हो जावांगे। सो दोस्तों बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, आस है तुसी अपने घरां दे विच बिल्कुल सेफ होवोगे। सो स्टे होम स्टे सेफ, बहुत बहुत धन्नवाद। कल एक नवा विशा लैके तुहाडे सामने हाजिर होवांगा। स्क्रीन दे उपर दित्ते टैलीफोन दे उत्ते अपनियां प्रतिक्रियावां जरूर दिओ क्योंकि मैं तां एक अग्ञानी व्यक्ति हाँ जो कुछ समझदा है तुहाडे नाल गल कर दित्ती, एक कोशिश आरंभ कीती है, बाकी समझना या ना समझना साडे सारिआं दी अपनी अपनी मर्जी है, उहदे ते ही निर्भर करदा है। तुहाडीआं प्रतिक्रियावां दा इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्नवाद।